और स्वागत है आपका इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए हम और आप मिलकर के शुरू करें। क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? क्या ये भीमराव अंबेडकर थे, क्या ये जगजीवन राम थे, क्या ये महात्मा गांधी थे, कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, और इसको स्थापित किया था महात्मा गांधी ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। एक कभी बीपीएससी कभी कभी डेट भी पूछ लेती है, ठीक है, तो डेट के लिए याद रख लेंगे 30 सितंबर, 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था, क्योंकि उस समय में महात्मा गांधी यारवादा जेल में थे, यारवादा जेल में थे, और वहीं से गांधी जी जो यारवादा जेल है कहाँ, पुणे में, ठीक है, तो यही जेल में उपवास पे थे, और अनटचेबिलिटी के को लेकर के ये बहुत ज्यादा काम भी किए थे, अनटचेबिलिटी को लेकर के, तो इसी को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के ही ये शुरू किए थे अखिल भारतीय हरिजन संघ। इसका उद्देश्य क्या था हरिजन संघ का, जो अनटचेबिलिटी को दूर करना, मतलब अस्पृश्यता, हिंदी में कहेंगे अस्पृश्यता को दूर करना था, और लोगों को, सब लोगों को साथ लेकर के आना था, और जितना भी हिंदू धर्म में बुराई था अस्पृश्यता को लेकर के उसको कम करना था या इरेडिकेट ही करना था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन फरवरी 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली, तो ये बात भी हम जान लिए, जो फरवरी 1920 में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो एटली था, इनका पूरा नाम था क्लीमेंट एटली, अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया लास्टेड बाय, मतलब 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की। अब वापस कब लेंगे, ये लेंगे जून 1948 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जून 1948 में जो प्रधानमंत्री एटली के द्वारा घोषणा किया गया था वहां के पार्लियामेंट में, जो जून 1948 तक हम वहां से ब्रिटिश शासन को कंप्लीटली वापस ले लेंगे। ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, और हाउस ऑफ कॉमन्स में इनके द्वारा घोषणा किया गया था, जो हम भारत से अपना वापस हो जाएंगे, और वहां पर एक भारतीय सरकार का स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट जो भारतीयों के द्वारा होगा, हम वहां पर एस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो यही था इनका, और फिर क्या हुआ था, फरवरी 20, 1947 में इनका घोषणा हो गया था, और ब्रिटिश सरकार पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जो हम वापस ले लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? हु एस्टेब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार, कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की स्थापना कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह। ये कब किया गया था? 1923 में किया गया था। ये वही स्वराज दल है जिसको स्थापित किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन बिहार की बात अगर होगा तो कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह, और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर बात किया जाएगा तो सी आर दास, दोनों का डेट सेम है 1923 में ही। स्वराज दल इन इंडिया 1923 बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, और बिहार की बात करेगा तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं। इसका जो पहला अध्यक्ष जो थे, ठीक है, ये थे आपके नारायण प्रसाद। पहले अध्यक्ष कौन थे, मतलब इसके नारायण प्रसाद। पहला सचिव कौन थे, ये थे आपके अब्दुल बारी। हो गया, बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह, पहले अध्यक्ष कौन थे नारायण प्रसाद, और पहले सचिव कौन थे अब्दुल बारी, ये याद रखना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है,
इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा, 10 लाख दिनार इफ ही वॉज अलाउडेड टू रिटेन बंगाल। कौन था ये? शेर खान। कौन थे ये? शेर खान। देखिए, जब 1535 से लेकर के 1537 में हुमायूं क्या था? एबसेंट था, एबसेंट था। उस समय में क्या किया था शेर शाह? अपने पावर को बढ़ाने के लिए और अपना रुतबा को बढ़ाने के लिए शेर शाह ये अपना एक्सपेंशन करने लगा, एक्सपेंशन करने लगा। और इस एक्सपेंशन में क्या होता है, ये खुद को अपने आप में बिहार का मोनार्क घोषित कर लेता है, ठीक है, मोनार्क घोषित कर लेता है, राजा, ठीक है। और ये तो बाद में हुमायूं क्या करता है, चुनार का एक किला था, चुनार, इसको हुमायूं क्या करता है, घेरने के लिए इस पर घेरा डालता है, और घेरा डालने के बाद शेर खान के खिलाफ चढ़ाई कर देता है। इसी कंडीशन में क्या होता है, उस समय में शेर खान क्या करता है, अपने फैमिली को इसी किला में सुरक्षित रख करके पहुंच जाता है बंगाल, और बंगाल को भी अपने अंडर में ले लेता है। इसी समय का ये कहानी है जो हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया था कि वो बंगाल पर अधिकार करने अगर हम देंगे तो भी आप पहले बिहार को छोड़िए, प्लस 10 लाख रुपया दिनार, 10 लाख दिनार वार्षिक नजराना दे दीजिए। ये कौन कौन कहा था? शेर खान, ठीक है। और इसी के संदर्भ में एक बात और जान लेते हैं हम लोग, 1539 में क्या हुआ था, बक्सर के पास कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा की लड़ाई, चौसा हुआ था। अब चौसा में हुमायूं हार गया था, हुमायूं डिफीट हो गया था, ठीक है। और शेर शाह क्या हो गया था? जीत गया था। इस युद्ध में हुमायूं क्या किया था, रिवर क्रॉस करके भाग गया था, ठीक है। और कुछ दिन बाद फिर क्या होता है, 1540 में फिर से बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में भी शेर शाह जीत जाता है, ठीक है, और फिर तरह से एक तरह से दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। ये थे शेर शाह और हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रिपीटेड है क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है, तो ये कौन था? धर्मपाल, सॉरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है, आज के कहाँ है ये? भागलपुर में है। और इसको स्थापित कौन किया था? पाल वंश का शासक था धर्मपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 783 to 820 AD में, ठीक है, इसी समय में हुआ था। ये पाल डायनेस्टी से था, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये शायद पहले भी पूछ चुका है कभी बीपीएससी में, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर ह्यूग डो। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर जेम्स डेविड सिफ्टन। सीधा सीधा फैक्चुअल है, इसको रट लेना है। बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर डेविड सिप्टन। बिहार से जब ओडिशा अलग हुआ था, ठीक है, 1936 में, तो यही बिहार के पहले गवर्नर जनरल बनकर के आए थे, ठीक है, डेविड सिप्टन बिहार के पहले गवर्नर जनरल थे, 1 अप्रैल 1936 से लेकर के 10 मार्च 1937 तक बिहार के गवर्नर रहे थे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? कौन थे? एक ही आदमी हो सकते थे, बिहार के अजात शत्रु, किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इस पुस्तक के लेखक थे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। भारत के इंट्रीम गवर्नमेंट जब फॉर्मड हुआ था, इंट्रीम गवर्नमेंट, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। और इनका लिखा हुआ कुछ और बुक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद के लिखा हुआ कुछ और बुक के। पहला था सत्याग्रह एंड चंपारण, सत्याग्रह एंड चंपारण, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ये बुक इनका कब आया था? 1922 में आया था, ठीक है। दूसरा बुक आया था इनका इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये कब आया था इनका बुक? 1946 में आया था। सब मतलब राजेंद्र प्रसाद का ही है, तो याद रखना है। और आया था इनका महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, ये कब आया था? 1949 में आया था। और इनका एक बुक और था बापू के कदमों में, बापू के कदमों में, ये कब आया था इनका बुक? 1954 में आया था। तो सब याद रखना है, गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस कब आया था? 1949 में। सत्याग्रह एंड चंपारण 1922 में। इंडिया डिवाइडेड कब आया था? 1946 में। बापू के कदमों में कब आया था? 1954 में। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बिहार के सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? पहला ही ऑप्शन है पादरी की हवेली, जो लोग पटना में रहते हैं जानते होंगे, ठीक है। ओल्डेस्ट चर्च, ओल्डेस्ट चर्च कौन था? पादरी की हवेली, यही है हमारा पादरी की हवेली। इसका दूसरा नाम जो है, ये नाम है ब्लेस्ड वर्जिन मेरी का दर्शन, ब्लेस्ड मैरी वर्जिन, ठीक है, यही नाम था इसका पादरी की हवेली का। ये 1713 में बनाया गया था। और इसको जो है एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था, फिर से बनाया गया था। ये 1772 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसके जो आर्किटेक्ट थे, कभी कभी आर्किटेक्ट का अगर नाम पूछ ले, आर्किटेक्ट कौन थे? टिरेटो, टिरेटो थे आर्किटेक्ट, कौन थे? टिरेटो। जब इनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, तो इसके आर्किटेक्ट कौन थे? टिरेटो। कब किया गया था रिकंस्ट्रक्ट? 1772 में। और पहली बार कब किया गया था? 1713 में, ठीक है। और एक यहां पर और था इधर, ये ल्यूक्स चर्च, ये भी जान लीजिए कभी उस एग्जाम में। तो ये दानापुर कैंटोनमेंट में है, दानापुर कैंटोनमेंट में है, कैंटोनमेंट में है। और ये स्टीफन चर्च जो है, ये स्टीफेंस चर्च जो है, ये भी आपका पटना में ही है। लेकिन सबसे पुराना की बात तुम करेगा तो कौन सा है? पादरी की हवेली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उसके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जन्म बिहार के निम्नलिखित किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, फैक्चुअल पॉइंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अशोक कुमार का भागलपुर में हुआ था। और अशोक कुमार तो फिल्म इंडस्ट्रीज में नाम था इनका, और वैसे नाम क्या था इनका? कुमुदलाल गांगुली। कहाँ हुआ था इनका जन्म? भागलपुर में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इन एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा इज नोन एज, अनर्थ, तक्षशिला, चोला, मोर देन वन ऑफ द एबव। गेस कीजिए क्या हो सकता है? नॉन ऑफ द एबव। इसको कहा क्या जाता था? मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? 9000, 12000, 6000, उपयुक्त में से एक से अधिक, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। ये शुरू हुआ था 4000 साल पहले, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था? 4000 साल पहले। तो ये जो आपका शुरू हुआ था,
ये इंडिया की बात कर रहा है, तो 2400 BC से लेकर के 1800 BC के आसपास में ये जो एक्सकेवेशन किया गया था तेलंगाना में, वहीं से मिला है ये लोहे का साक्ष्य। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4000 साल पहले के आसपास होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉन ऑफ दीज, 4000 साल पहले। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके ने की थी? अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज अराउंड द 2nd सेंचुरी थी, सुदर्शन लेग एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर वॉज रिपेयर्ड बाय, कौन किया था? रुद्रदमन। कौन किया था? रुद्रदामन, यही किया था। देखिए, ये जो जलाशय था सुदर्शन झील, इसको मौर्य डायनेस्टी डायनेस्टी के अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, अशोका के द्वारा बनाया गया था। और ये रुद्रदामन जो था, इसका पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है, मतलब मरम्मत करवाया था। रुद्रदामन फर्स्ट जो था, ये वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी से था, ये रुद्रदामन फर्स्ट ही था, ठीक है। इसको महाक्षत्रप भी कहा गया था, महा महाक्षत्रप भी कहा गया है इसको। ये शक डायनेस्टी से, शका डायनेस्टी का वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी था, शक डायनेस्टी के वेस्टर्न क्षत्रप, इसको महाक्षत्रप भी कहा गया है। रुद्रदामन फर्स्ट था, जो कि सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में कहा गया है, जो कि 150 AD में संस्कृत में लिखा गया था। ये संस्कृत में लिखा गया था, इसमें इस झील के बारे में बताया गया है, ठीक है, और इसका जीर्णोद्धार के बारे में भी यही लिखा गया था। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर। झांसी के पास देवगढ़, तो झांसी के पास क्या है? देवगढ़ का मंदिर। इलाहाबाद के पास क्या है? गढ़वा मंदिर। बनी मूर्तियां किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? क्या ये मौर्य कला है, क्या ये गुप्त कला है, क्या ये राष्ट्रकूट कला है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त कला। द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर, या किसको कहा जाता है? गुप्त कला को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त कला। ये सारे गुप्त काल में ही बनाए गए थे, ठीक है। और गुप्त काल जो था, 4th to 6th सेंचुरी में फ्लोरिश हुआ था, और इसको गुप्त कला का, इस टाइम को गुप्त काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। इसी काल का मुख्य केंद्र जो था, ये आपका था मथुरा भी था, और कौन सा था? सारनाथ भी था, और था एक, कौन था? एक नालंदा, ये सेंटर था। ये तीनों क्या था? सेंटर था गुप्त गुप्त कला का, मथुरा, सारनाथ और नालंदा, ठीक है। और ये अगर हम बात करें झांसी के, ये जो देवगढ़ का मंदिर है, ठीक है, ये झांसी से 125 किलोमीटर है, और ये 6th सेंचुरी में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है, और ये विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु टेम्पल है। यहीं पर एक दशा अवतार टेम्पल है, दशा अवतार टेम्पल, ठीक है, दशा अवतार टेम्पल विष्णु जी को समर्पित है, 6th सेंचुरी में, झांसी से 125 किलोमीटर पर। सॉरी। और ये अगर हम गढ़वा की बात करें, गढ़वा मंदिर की, तो ये इलाहाबाद के पास है, गुप्त कला से संबंधित है, और ये भी 5th
सिक्स सेंचुरी में बनाया गया था, और ये भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक अवतार को समर्पित है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं, नोट करेक्टली स्टेटेड। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। यही स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही नहीं है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? अकबर एंड हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5, कभी कभी डेट भी पूछ देता है, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसके बीच हुआ था अकबर और हेमू। हेमू भारत का अंतिम ही हिंदू शासक था जो अकबर से लड़ा था, और इस समय अकबर बैरम खान के संरक्षण में था। बैरम खान के संरक्षण में था और बैरम खान के द्वारा ही हेमू को डिफीट किया गया था और सरधर से अलग कर दिया गया था इसका। ठीक है, और ये हल्दी घाटी की अगर हम बात करें तो ये 1576 में हुआ था। डेट भी लिख देते हैं, 18 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर के सेना को जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था? मानसिंह। मानसिंह लीड कर रहा था और इसमें महाराणा प्रताप हार गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? इसका डेट भी लिख देते हैं, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है, इसमें में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया था और इसका मर्डर कर दिया गया था, और बाबर मुगल साम्राज्य का नींव रखा था यहीं से, मुगल डायनेस्टी का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिल्ली संतलत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किया जाता था। मुकद्दम या चौधरी, गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुकद्दम या चौधरी कौन होता है? आज भी हरियाणा में चौधरी उधरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन हुआ करता था? गांव के सरपंच। एक गाना भी आया था अभी अभी कुछ दिन पहले हरियाणवी में, गांव के सरपंच है हमारे मामा जी। ठीक है, तो ये वहीं से आया, चौधरी या मुकद्दम गांव के सरपंच हुआ करते थे। ठीक है, तो ये फैक्ट पॉइंट। राजस्व अधिकारी को कहा जाता था पटवारी, सॉरी गांव के लेखाकार को कहा जाता था पटवारी। और देखिए इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, दिल्ली संतलत की बात करें तो सबसे पहले क्या होता था इसमें? एकता। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था? एकता होता था। एकता को हम लोग प्रोविंस बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, एकता से नीचे क्या होता था? ये होता था आपका सिक्स, सिक्स होता था। इसको आप लोग मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ होता था? डिस्ट्रिक्ट सिक्स से नीचे क्या होता था? परगना, परगना होता था। और परगना से नीचे क्या होता था? विलेज होता था। ठीक है, और इसी विलेज की बात यहां पर कर रहा था। आज अगर हम परगना के बारे में बात करेंगे तो ये सब डिवीजन जो जिला से नीचे होता है, अनुमंडल, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और विलेज। सबसे छोटा क्या था? विलेज। तो विलेज वाले को क्या बोलते थे? मुकद्दम या चौधरी। ठीक है, परगना का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? अमील, अमील। परगना के हेड को क्या बोलते थे? अमील। सिख के हेड को क्या बोलते थे? सिकदार, सिकदार। और एकता के हेड को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे वलीज, या फिर एक नाम और था इसका, मुक्तीश, मुक्तीश बोलते थे। ये एक तरह का क्या होता था? ये गवर्नर होता था, गवर्नर होता था। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तबकात ए अकबरी
जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है, ज्यादा था किसके द्वारा लिखा गया है? शौकत ए अकबरी हुच हैज बी सम टाइम कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद लाहौरी, उपयुक्त में से एक सर। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी में पूछ चुका है, आई थिंक 2019 या 20 में पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा हमारा? निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, जो कि अबुल फजल के अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया था? अकबरनामा, इससे भी बहुत ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, और ये अकबर के समय में था, अकबर के समय में था, और ये मीर बख्शी का पोस्ट भी था कभी इसके पास, मीर बख्शी का भी पोस्ट था इसके पास, और इसके फादर भी मुगल शासन में काम किया करते थे, और ये अकबर के समय में थे। और अगर हम गुलबदन बेगम की बात करें तो इनके द्वारा क्या लिखा गया था? हुमायूनामा, हुमायूनामा। अगर हम अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या लिखा गया था? बादशाहनामा, बादशाहनामा। और अबुल फजल के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखा था? अकबरनामा। सब पॉइंट्स को एकदम याद कर लेना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नांगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो ये कौन थे? सीधे सीधे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय साउथ इंडिया में एक मोस्ट एमिनेंट फिगर थे, और इनका जो शासन रहा था कृष्णदेव राय का, ये 1509 से लेकर के 1529 तक था। ठीक है, ये तुलुवा डायनेस्टी से थे, तुलुवा डायनेस्टी से थे। ठीक है, इतना याद रखना है। और इनके द्वारा बहुत सारा मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, एक तो इनका काम था जो बहुत सारा टेंपल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर बनवाया गया था, और ब्राह्मण्स को बहुत सारा लैंड भी इनके द्वारा दान किया गया था, डोनेट किया गया था। ठीक है, तो यही थे कृष्णदेव राय। और ये नांगल पुरम में जो उपनगरीय बस्ती बनाया गया था, ये इनके माँ का नाम था नांगल से। ठीक है, इनके माँ का नाम था, और इन्होंने अपने माँ के नाम से ही एक उपनगरीय बस्ती बनाया था। ये एक संस्कृत के विद्वान भी थे, और इन्हीं के द्वारा तेलुगु में ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आमुक्त मालदाय, आमुक्त मालदाया लिखा गया था। ठीक है, एक ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं हम इसको। कृष्णदेव राय के ही शासन में कृष्णदेव राय के ही शासन में पुर्तगीज ट्रेवलर आया था। इसका नाम क्या था? पुर्तगीज ट्रेवलर का जो आया था इसी के शासनकाल में, तो ये था आपका डोमिनिस पेस, या डोमिनिज पायस भी बोलते हैं, डोमिनिको पायस। नूनीज भी आया था, ये दो यात्री आया था, डोमिनिज पायस और नूनीज, ये इसी के शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था, ये दोनों विजयनगर का दौरा किया था कृष्णदेव शासन। इनके और भी टेंपल के बारे में अगर हम बात करें, टेंपल के बारे में अगर बात करें तो ये तिरुमाला टेंपल पूछता है कभी कभी, तिरुमाला टेंपल पूछ देगा जब, तिरुमाला टेंपल किसके द्वारा बनाया गया था। दूसरा श्री सैलम। तीसरा था आपका अमरावती टेंपल, और चौथा था आपका तिरुमलाई टेंपल। ठीक है,
यही सब बनवाया गया था इसको। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 1940 में पटना विमेन्स कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिस्टर ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आइसिस क्रिश्चियन ब्रदर, एक से अधिक और कोई नहीं। जो लोग पटना में होंगे वो माउंट कार्मेल हाई स्कूल के बारे में जानते ही होंगे, पटना विमेन्स कॉलेज के ठीक बगल में भी है। जब मैं भी ये प्रीलिम्स दे रहा था तो मैं ये जानता नहीं था जो किसके द्वारा बनाया गया था, ये मैं कार्मेल से डिनोट करके सही आंसर कर पाया था। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल, इसी के द्वारा 1940 में पटना विमेन्स कॉलेज का स्थापना किया गया। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? क्या ये सिरिल रेडक्लिफ थे, एपी मून थे, या एबी अलेक्जेंडर थे, या एक से अधिक थे, या कोई नहीं थे? तो ये हमारे भाई साहब कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे ये? सिरिल रेडक्लिफ। ये भाई साहब ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश टाइम पीरियड में, ठीक है, ये लंदन में एक लॉयर थे। ठीक है, लॉयर थे। कहाँ ये लॉयर और कहाँ काम करने क्या आ गए? सीमा रेखा निर्धारित करने का, कहीं से मेल ही नहीं खाता है। इनको भेजा गया इंडिया, ठीक है, और बाउंड्री डिसाइड करने के लिए इनको कार्टोग्राफी का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी इनको क्या बनाया गया? बाउंड्री कमीशन सेट करने के लिए कहा गया। और जिसके कारण से आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में इस चीज को लेकर के बाउंड्री चूंकि ठीक से डिसाइड हो नहीं पाया था तो कन्फ्लिक्ट आज भी रहता है। तो ये हमारे भाई साहब थे सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, तो बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, एक ये बनाया गया था आपको जून 1947। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही था, ठीक है, जैसे पार्ट ले लेंगे आपका गुजरात, राजस्थान और जे एंड के बीच में डिसाइड किया गया था। इनका जो फैसला जो आया था ये सार्वजनिक जो किया गया था, ये किया गया था 17 अगस्त 1947 में, और सबको मानना पड़ा था इस चीज को 17 अगस्त 1947 को। चलते हम लोग नेक्स्ट, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सिस्टम इन बंगाल? तो ये भाई साहब कौन थे हमारे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी। बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर? हॉल्ट मैकेंजी, महलवारी सिस्टम। अब देखिए महलवारी सिस्टम होता क्या था, इसमें आपको क्या किया जाता था, जैसे एक गांव है, ठीक है, विलेज है, महल, महल का मतलब ही होता है विलेज या फिर मोहल्ला, मोहल्ला, ठीक है। इस पूरे मोहल्ला का जो टैक्स कम कलेक्शन होगा वो एक बार में ही एक आदमी के द्वारा कर लिया जाएगा, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये ख्याल किस महाशय के दिमाग में आया था सबसे पहले? तो ये हॉल्ट मैकेंजी के दिमाग में आया था। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये तीन तरह का सिस्टम होता था। पहला था जमींदारी सिस्टम, दूसरा था आपका महलवारी सिस्टम, और तीसरा था आपका रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था, सीधा सीधा रैयत के द्वारा जो आम फार्मर था जिसका लैंड था वो क्या करता था, रेवेन्यू को जमा करवा देता था। ठीक है, महलवारी में बता ही दिए क्या होता था, और जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, गांव के जमींदार के द्वारा, ठीक है, फार्मर से
पहले टैक्स को कलेक्ट किया जाता था, टैक्स को कलेक्ट किया जाता था और इस टैक्स को फिर गवर्नमेंट को दिया जाता था, जमा करा था। इसमें बिचौलिया बहुत होता था, ठीक है, बिचौलिया बहुत होता था और फार्मर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। और जमींदारी सिस्टम जो लाया गया था, ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इस सिस्टम में जो है सरकार को जो टैक्स दिया जाता था वो रखा जाता था 10/11, ये भी याद रखना है। जमींदारी में ये सब हम बात अभी कर रहे थे जमींदारी का, ठीक है। रैयत बारी में रैयत सीधा सीधी जमा कर देगा। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1890 से 26 के बीच शुरू किया गया था और ये बहुत ज्यादा ही प्रिवेलेंट था। बाद में फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया महाराष्ट्र में, गुजरात में, उसके बाद पंजाब में और बहुत जगह पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है हमारा, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था पवनार महाराष्ट्र में। कहाँ शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा पवनार महाराष्ट्र में। कब शुरू किया गया था? 1940 में। ये पहला सत्याग्रह यही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और जे एल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त थे। ये भी याद रखना है, बीपीएससी में तीसरा भी पूछ लिया था अभी। तो तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, पहला विनोबा भावे। अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू क्यों किया गया था? इंडिविजुअल सत्याग्रह इसलिए शुरू किया गया था जब अंग्रेजों के द्वारा मास मूवमेंट में सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया था और ये ज्यादा से ज्यादा विलेज में शुरू किया गया था। गाँव में एक आदमी के द्वारा बैठ करके सत्याग्रह किया जाता था, पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पाती थी और फिर ये लोग आगे बढ़ते जाते थे। और लास्टली इन लोगों का नारा जो था, वो नारा भी कभी अगर पूछ ले तो नारा क्या लगाते थे ये लोग? दिल्ली चलो का नारा लगाते थे ये लोग। बिहार में भी ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुआ था, श्री कृष्ण सिंह भी बिहार से सत्याग्रही थे। और इस क्वेश्चन की बात अगर करेगा तो ये पहला कौन थे? विनोबा भावे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण से पुराने उदारवादी अवशेष शत्रु जयकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया। अब देखिए ये मोंटफोर्ड सुधार 1918 में आया था, ठीक है, मोंटफोर्ड रिफॉर्म 1918 में आया था। और इससे कांग्रेस के कुछ नेता जो थे बहुत ज्यादा खफा थे, इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो कि ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा एक नया फ्रंट बनाया गया था जिसको कहा गया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्या नाम दिया गया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसमें लोग थे, ये सप्रू भी थे, जयकर भी थे, चिंतामणि थे और एक हमारे श्रीनिवास शास्त्री जी भी थे, श्रीनिवास शास्त्री जी भी थे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू, जयकर, चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री, इन लोगों के द्वारा मिलकर के क्या बनाया गया था? INLF, ठीक है, INLF बनाया था। ये लोग कांग्रेस को छोड़ करके आए थे। इसकी स्थापना कौन किया था INLF की? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापना किया गया था INLF का। और मोंटफोर्ड सुधार जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण रुख था, पुराने उदारवादी नेता में नाम ये था और INLF बनाया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा और इसके जो मेंबर थे ये लोग थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला और हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था भारत? कैबिनेट मिशन के बारे में आप लोग जानते हैं, 1946 में आया था।
एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के बेड़ों को काम करने के लिए। तो किसके लिए भारत भेजा गया था? भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, टू वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। अब कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में आया था। क्या करने के लिए आया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया था। इसके जो कैबिनेट मिशन के जो तीन मेंबर थे वो कौन कौन थे? एक थे पैंथिक लॉरेंस, दूसरे कौन थे आपके? स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे कौन थे आपके? एबी अलेक्जेंडर। ये भी एग्जाम में आता है बहुत बार, जो कैबिनेट मिशन के कौन कौन मेंबर थे। तीन थे, याद रखना है। पहला थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने वाली संस्था थी, जो कि वर्क कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट को ट्रांसफर ऑफ पावर करवाने के लिए, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान की मांग थी जिन्ना का, उसको खारिज कर दिया था, ठीक है। पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था, और प्रांत का जो प्रांतीय विधानसभा था, इसमें ये बनाने के लिए चुनाव किया जाना था। और जो भी मतलब डिफेंस, उसके बाद कम्युनिकेशन और आपका एक्सटर्नल मैटर्स, इस सब चीज को भारत के लोगों को सौंपा जाना था। डिफेंस, कम्युनिकेशन मैटर और एक्सटर्नल, ठीक है, सौंपा जाना था, लेकिन सौंप नहीं पाया था, ठीक है। तो यही था आज का हमारा डिस्कशन। आई थिंक 40-45 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग किए हैं आज, और डिस्कशन आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट एपिसोड जो हम लोगों का होगा वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ए लर्निंग प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।